मैंने आपको बताया था जैसे कि हमारी जो मैंगो है उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, देख सकते हैं आप यार कैसे लेटी हुई। अभी हम इसका केज खोलते हैं, इसकी पानी पिला देते हैं इसको, अभी पानी का टाइम हो रहा है। ये देखिए यार क्या हालत है इसकी बेचारे की, ये देखिए उड़ भी नहीं पा रही है, देखें कब कब पानी रखती है। देखें तो यार अभी हम इसको पानी पिला देगा, डब्बे से मैं बाहर निकालते हैं। मुहैब जल्दी आप पानी पिला दो, क्या कर रहे हो? और यार ये देखिए गाइस, गाइस हम सिरिंज में पानी पिलाएंगे, हम लोग उनको बहुत कम पानी पिलाना है, तो पहले डब्बे से मैं इसको बाहर निकालो, रुक के पिलाना, हम लोग उसको पिलाने बहुत कम पिलाने यार, क्योंकि अभी ये अपने अपने से मतलब ये खुद से लो पानी पीने लगती, तो हम लोग इसको मुंह में जबरदस्ती इसको दाना खिलाने पड़ते हैं, हमें कमजोर हो जाएगी, और फिर हम उसकी एक्सरसाइज भी कराते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इसकी बेचारी की एक्सरसाइज। चलो भाई बस गाइस आप लोगों को चूजे के लिए दुआ करनी है यार, प्लीज़ गाइस हमारा मैंगो जल्दी सही हो जाए, ताकि हम आपको इसको भी केज में खोलते आ रहे, इतना मज़ा आता है ये भी सबके साथ भागता यार। तो अभी जल्दी से इसको पानी पिला देते हैं थोड़ा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको यार दिखाया था रात में, हमारी मैंगो की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यार, मतलब अब सुबह से भी ज़्यादा बुरी हो चुकी है कंडीशन उसकी यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मुझे उसकी टेंशन हो रही है। और अभी देख सकते हैं ब्लैक वाली की भी आंखें खुल गई यार, देख सकते हैं गाइस माशाल्लाह से कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी। हमने पूरे केज की सफाई की है ठीक से, देख सकते हैं सारी ट्रैप को साफ लग रही होंगी यार, और इधर अब हमारे परिंदे जो हैं नहीं सारे उबड़ जा चुके हैं, देखिए ऊपर कबूतर की भी की थी, इनकी भी सफाई की है, स्किन की है। और यार हमें मैंगो की तबीयत यार अभी तक वैसी है बेचारी, क्या कर सकते यार, बस आपको दुआ करनी है उसके लिए, बाकी अल्लाह के हाथ में यार सब कुछ, देखते हैं अब क्या होता है उसके साथ। आज हमें ना देर हो गई ऊपर जाते हुए, अभी यार शाम हो रही है, हमें इनको खोलना था क्योंकि उससे पहले धूप हो चुकी है, तो हम इनको खोलते नहीं यार, ताकि इनको भी प्रॉब्लम ना हो, वरना तो हम इनको खोल के नीचे चले जाएँ, वरना हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि कहते हैं इनको धूप लगेगी, इसलिए हम लोग जाते नहीं हैं। तो अब मैं यार जल्दी जल्दी अपने चूज़ों को और बैंटम को खोल लेते हैं यार, हाँ मौसम तो काफ़ी अच्छा हुआ हुआ है, ये देखिए यार बेचारे हवा भी अच्छी अच्छी चल रही है। अभी हम इनको खोलेंगे, और इनको हमने अभी तक पानी भी नहीं पिलाया, बैंटम को हाँ पानी भी पिलाएंगे इनको, पानी यार। तो अभी हमने इनको खोल लिया, उसको भी खोल दो, मुर्गी को तो निकालो, यार इसको क्या हो गया, सिल्की को मार रहे है, सिल्की को क्यों मार रहा है ये, अबे ये सिल्की को क्यों मार रहा है, अबे हल्के गाइस यार ये क्या हुआ, ये सिल्की को मेंबर, सॉरी छोटू गैंग का मेंबर, ये तो सिल्की के साथ ये देखिए इनमें से कोई नहीं लड़ता, ये क्यों मार रहा है सिल्की को, पैर तो नहीं बन गया इनका, पैर में मुर्गा मुर्गी को मारता है। अरे भाई अभी तो बच्चे हैं छोटे हैं, अबे अभी कौवा आ गया था इधर, कुछ भी हो सकता है बेटा, अबे चलना कहाँ जा रहा है, ओए पिटेगा मुर्गा मारता है यार, मैं वाली लकड़ी उठा लेता हूँ ताकि इनको कोई ना फिर प्रॉब्लम ना हो, और चलिए हाँ खुद ही चलेगा, नल का पानी है पीने लग जाएंगे, हटा दो यार, बोल दिया ना बस सही है, मुर्गी नहीं आ रही यार, फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। तो दोस्तों अभी इस वक्त जो है वो मुर्तजा हमारे सारे केजेस की सफाई कर रहे हैं, अभी तो इसकी कर रहे हैं, बाद में जिन केजेस में मुर्गे और चूजे रखते हैं उन सारे केजेस की सफाई होगी। और हमारा असल में प्लान ये था कि हम जो है मिट्टी लाए हैं जो कि हम इनके इसमें केजेस में सब सारे केजेस में बिछा देंगे,
क्योंकि जैसा कि आप सबको बताए कि मुर्गियों को जो है वो अच्छा मतलब मिट्टी बहुत पसंद है और उनके लिए मिट्टी की वजह से अच्छा माहौल बनेगा और जिसमें वो खुश होंगी। जैसा कि आपको बताए ये देखिए ये हमारे जो है ये पक्का फर्श है तो इसमें जब हम हमारी मुर्गियों वगैरह को थोड़ी सी परेशानी होती है जब इसमें मिट्टी आ जाएगी तो वो आराम से खुशी खुशी मतलब मस्तियाँ करेंगी अपनी और उनको पसंद है। मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी हम मिट्टी लाए कितने अभी ये देखिए ये वाली मिट्टी है ये सारी यहीं पे रखी हुई है। हम एक ही करके इन चारों केजेस में डालेंगे तो मुर्गा अभी जो है वो इन सब केजेस की सफाई कर रहा है। अब देखिए इधर भी मिट्टी डाल दी इसने और मुर्गी तो खुद ही अंदर चली गई। देखिए यार पूरा लग रहा है ना नेचुरल एनवायरनमेंट ये अंदर गई थी अभी फिर बाहर आ गई इनके यार फिर मजा भी आएगा उसमें और ये लोग खेलेंगे आराम से तो फिर इनको नेचुरल एनवायरनमेंट भी मिलेगा और मुर्गी अगर अंडा भी देगी तो उसको सॉफ्ट जगह मिलेगी उसको ढूंढनी भी नहीं पड़ेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।